सावन माह में जहां देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिदिन उमड़ी नजर आई, वहीं कुरुक्षेत्र के श्री नाभेश्वर महादेव मंदिर में आज हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की। उन्होंने प्राचीन नाभेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर पूजा अर्चना और भगवान शिव से राष्ट्र की अखंडता और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर समिति की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। विधायक सुभाष सुधा ने भंडारे में अपने हाथों से लोगों को प्रसाद भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने खुद भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में आयोजित हवन यज्ञ एवं भंडारे में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। मंदिर परिसर हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और बोल बम के नारे से गूंजते नजर आए। इस अवसर पर समिति के प्रधान धर्मपाल सैनी ने कहा कि मंदिर परिसर में पूरे सावन मास में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ सावन का पर्व मनाया गया। आज मंदिर परिसर में सुबह हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गांव बहारी के सरपंच सोनू रमेश सैनी, यशेंद्र शर्मा, चंद्र जैन, काकू शर्मा, सोहनलाल सैनी, बीरबल सैनी, पवन सैनी, प्रवेश सैनी, पाला राम कश्यप, गोरी राजू सेठ, सेठी सुनील, विपुल आदि भी इसमें मौजूद रहे। ये नाभेश्वर महादेव मंदिर बारी में स्थित है और मैं ये कहूँगा इतना सुंदर मंदिर जो यहाँ पर, मैं बड़े भाई धर्मपाल सैनी जी जो यहाँ के प्रधान हैं और इनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके कितना सुंदर मंदिर बनाया है। मेरे ख्याल से क्षेत्रवासियों ने, बहुत लोगों ने मंदिर देखा नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा क्षेत्रवासियों से आज होगा इस मंदिर को जोर अवश्य देखे। नाभेश्वर महादेव मंदिर जो बारी में स्थित है, अवश्य एक बार जोर आए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा किस प्रकार के पूरा सावन मास चल रहा था, अभी बार सावन मास 2 महीने का था, तो कल सावन मास जैसे खत्म हुआ तो यहाँ पर आज इस प्रकार से भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया। ये प्रभु की कृपा होती है भंडारों में, किस प्रकार से मैं कहूँगा आज बड़े प्यार से नीचे बैठा कर लोगों को भंडारा कराया जा रहा है। इसके अंदर बहुत लोगों की होती डली होती है भंडारे में, तो वैसे भी भंडारा प्रभु की कृपा से उसके अंदर इतनी आस्था होती है कि भंडारा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज नाभेश्वर महादेव मंदिर ने मुझे यहाँ बुलाया हुआ था, तो यहाँ पर जो आज श्रावण मास के कार्यक्रम था उसके तहत आज यहाँ पर लंगर किया। मैं तहे दिल से धर्मपाल सैनी जी का, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जनता पार्टी जब से आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में बहुत काम कर रही है, और हमेशा मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से कहा रक्षाबंधन के दिन बसों में जाने के लिए फ्री कर रखा है, इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये गैस सेंटर पर बहुत बड़ी एक इनको छूट दी है। ये बहुत बड़ा काम किया है और हमारी इस बात पर बहने बहुत प्रकार से खुश है, और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी समय समय पर उनका मार्गदर्शन के तहत बहुत से कार्य करते रहते हैं, तो आज जो उनको छूट मिली है मैं उसके लिए बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। भोलेनाथ, ये सावन का 2 महीने का सावन था, और ये हम जब मतलब जब भी सावन का लास्ट में होता है भंडारा करते हैं, और शहर के लोग बहुत दान देते हैं, बढ़ चढ़ के दान देते हैं खूब। यहाँ जो आज ये करोड़ों रुपए मंदिर में लगे हैं, लोगों ने दान दिया तभी हमने लगाए हैं, और आज विधायक जी आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। विधायक जी मतलब जब भी ना, मेरा हमेशा विधायक जी मेरे कंधे के साथ खड़े रहे, मैं बहुत इनका बस इतना मतलब ये कहता हूँ भी, मैं तो विधायक जी को बहुत चाहता हूँ जी, बहुत धन्यवाद जी।